बंधक डील टूटने की आशंकाएं तेज हो गई हैं, क्योंकि इसराइल की तरफ से साफ कर दिया गया है कि युद्ध अभी बाकी है। तो ये IDF का बहुत बड़ा ऐलान है, जिसमें ये साफ कर दिया गया है कि इस बात की आशंका लगातार बनी हुई है कि बंधक डील टूट जाए। युद्ध अभी भी बाकी है, इसराइल ने यह भी साफ कर दिया। तो आपने इसराइल का की क्या मंशा है इस पूरे युद्ध के दौरान वो भी सुन ली है, और सवाल इसके बीच उठ खड़ा हुआ है कि बंधक डील क्या एक धोखा मात्र है, किसी बड़ी रणनीति का हिस्सा है। इसी पर बात करने के लिए दो लोग हमारे साथ जुड़ गए हैं। ब्रिगेडियर रिटायर्ड विनोद दत्ता सर एज डिफेंस एक्सपर्ट हमें ज्वाइन कर रहे हैं, और इस बीच तेल अवीव से हमारे संवाददाता विपिन चौबे ग्राउंड जीरो से पल पल का अपडेट हम तक पहुंचा रहे हैं। विपिन, पहले मैं आपका रुख करना चाहूंगी, ये भी जोर शोर से दावा किया जा रहा है इसराइली मीडिया के हवाले से कि युद्ध विराम की शुरुआत के 15 मिनट के भीतर ही उल्लंघन भी कर दिया गया है सीज फायर का, और इसके लिए आरोप लगाया जा रहा है हमास पर। ये किसी बड़ी रणनीति का हिस्सा लगता है कि इजराइल आगे बढ़ सके, अपने हमले जारी रख सके? देखिए, पहले दिन से इजराइल हमास पर भरोसा नहीं करता, और कल शाम को भी मैंने कई IDF के टॉप ऑफिशियल से बात की और उसके बावजूद उन्होंने आशंका ये जताई, उसके बावजूद कि हम अब भी, क्योंकि हम जिससे डील कर रहे हैं इसराइल के मुताबिक वो एक आतंकवादी संगठन है, वो एक प्रोफेशनल फोर्स नहीं है, इसलिए उसकी किसी बात पर हम यकीन नहीं कर सकते। वैसे ही अंदेशा आज सुबह सच साबित हुआ जब 7 बजे सीज फायर होना था और 7:15 पर किसुफर्म इलाके में एयर रेड अलर्ट सायरन सुने गए और बाकायदा वेबसाइट्स पर यह अभी भी रिफ्लेक्ट कर रहा है। हालांकि हमला हुआ या नहीं हुआ इसको लेकर अभी क्लैरिटी नहीं है, लेकिन एयर रेड अलर्ट सायरन का मतलब यह है कि मिसाइल फायर हुई और उसको निष्क्रिय करने के लिए इस तरह के सायरन सुनाई देते हैं। तो मानकर चलिए कि अभी जब तक बंधकों की पहली खेप रिहा नहीं हो जाती है प्रतिमा, तब तक बहुत सारे गतिरोध बरकरार हैं, और इस पूरे मामले में आप ये मानकर चलिए कि अभी आज शाम तक का वक्त बहुत क्रूशियल होगा और शाम से पहले कुछ भी कह पाना मुश्किल होगा, लेकिन ये जरूर है कि जब तक बंधक रिहा नहीं हो जाते तब तक कुछ भी कहना असंभव है। विनोद दत्ता सर, आपका मैं रुख करना चाहूंगी, आपका एक्सपीरियंस इस पूरे मामले पर क्या कहता है? क्या ये जो बंधक रिहाई का पूरा प्लान सामने आया और उस पर फिर सहमति भी बन गई, क्या आखिर वक्त में इसकी टूटने की आशंकाएं बढ़ गई हैं आपकी नजर में? हाँ बिल्कुल, देखिए क्योंकि ये जो ट्रूस इनिशिएट किया था वो कतर और इजिप्ट के इनिशिएटिव पे था और अमेरिका की इसमें ब्लेसिंग्स थी, तो इसलिए इसराइल भी राजी हो गया था कि हम अपने जो युद्ध जो बंदी हैं उनको रिहा करेंगे और ये लोग उनके जो बंधक हैं उनको रिहा करेंगे। लेकिन क्योंकि हमास की किसी भी बात पर यकीन नहीं किया जा सकता और हमास ने शायद इस अपॉर्चुनिटी को या सीज फायर को एक अपॉर्चुनिटी में तब्दील करने की कोशिश की और उन्होंने कुछ हमले तेज किए या वो वहां से निकलना चाहते होंगे, लेकिन इसराइल ने ये पहले ही साफ और वाजे कर दिया था कि इसराइल जो युद्ध क्षेत्र है या जो रण क्षेत्र है वहां उस पर अपनी पैनी नजर रखेगा, और क्योंकि उसको ये तवक्को थी कि हमास कोई ना कोई धोखा देगा, तो उसने ये कहा था कि ये टेम्परेरी ट्रूस है, ये टेम्परेरी लल है बैटल में और उसके बाद वो अपना जो टर्मिनल ऑब्जेक्टिव है उसको वो अचीव करके रहेंगे। लेकिन हमास ने पहले ही ये वादा तोड़ के इसराइल ने बदस्तूर अपने ऑपरेशंस है उनको जारी रखा है। या साफ तौर पर सवाल उठ रहा है कि हमास ने क्या एक और मौका दे दिया IDF को लगातार स्ट्राइक करते रहने का?